हूं सजा पवार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो देखते हैं आज अम्मी की रेसिपीज में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज में आज हम बना रहे हैं मटन कब्सा। तो चले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने लिए हैं 2 कप चावल, 1.5 पाउंड बकरे का गोश्त है ये, 3 से 4 टमाटरों को मैंने पीस के रख लिया था। अगर आप छोटे साइज के टमाटर यूज कर रहे हैं तो 5 से 6 भी यूज कर सकते हैं। नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, 1 बड़े साइज की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पे। हरी मिर्च मेरे पास बहुत बड़ी थी तो मैं आधी यूज कर रही हूँ और बहुत तेज थी। अगर आप छोटी हरी मिर्च यूज कर रहे हैं तो 1 से 2 यूज कर सकते हैं। लीमू का 1/4 हिस्सा लिया है मैंने, क्योंकि बहुत बड़े साइज का लीमू था। आप चाहें तो छोटा भी यूज कर सकते हैं और ड्राई लेमन भी यूज कर सकते हैं। लौंगे 5 से 6 अदद, हरी इलायची 4 अदद, 1 दालचीनी के स्टिक, तेज पत्ते 3 अदद और तेल चाहिए होगा हमें 1/4 कप। एक पैन में ऑयल डालिए और उसको गरम कर लीजिए। फिर उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल के उसको इतनी देर फ्राई कर लीजिए कि प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, लेकिन उसका कलर चेंज ना हो। फिर उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसको तकरीबन 30 सेकेंड फ्राई कर लीजिए। 30 सेकेंड्स फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त डाल दीजिए और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए इस गोश्त को। फिर इसके अंदर जो साबुत मसाले थे वो हल्दी, नमक, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए या थोड़ी देर भून लीजिए। फिर इसके अंदर टोमेटो पेस्ट और टमाटर जो हमने पीस के रखे थे वो शामिल कर दीजिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। फिर इसके अंदर लीमू और इतना पानी शामिल कर दीजिए कि गोश्त इस पानी में गल भी जाए और फिर हम इसी पानी के अंदर चावल भी डालेंगे अपने। चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, उसके बाद मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड कर दूंगी कि चावल अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाएं और नरम हो जाएं। अगर आपके पास इसके अंदर एक्स्ट्रा यखनी हो तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और फिर जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो इसको कवर करके इतनी देर पका लीजिए कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, मतलब चावल जो है वो पानी अपने अंदर एडजस्ट कर लें और नरम हो जाए। फिर उसके बाद जब पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए तो फिर चाहे तो फॉइल की मदद से या जैसे भी आपके लिए इजी हो उसको पैन को कवर कीजिए और उसको दम दे दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी देर में चावल हमारे दम हो रहे हैं हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए है 1 टमाटर, 1/2 लीमू का हमें जूस चाहिए होगा, 2 हरी मिर्चें, 1 हरी प्याज, 1/2 कप के करीब हरा धनिया, नमक हसबे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच। तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालिए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, वरना टमाटर और जो सिरके का पानी और जो लीमू का जूस होगा इससे ये चटनी अच्छी तरह से पिस जाएगी। नींबू का जूस डालते वक्त बीज का ध्यान रखिए कि बीज उसके अंदर ना चले जाएं। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से पीस लीजिए कि सारी चीजें अच्छी तरह से पिस जाएंगी।
आप मिर्ची अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च वाली चटनी पसंद है तो आप और मिर्ची इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था बिल्कुल भी, और चटनी बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गई थी। और बस हमारी चटनी तैयार हो गई है जो हम कब्सा के साथ खाएंगे। और इतनी देर में चावल दम हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर चावल अच्छी तरह से दम हो जाते हैं। और इनको डिश में निकाल लीजिए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कब्सा बनता है। इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कब्सा कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अम्मी यम्मी है, अम्मी मम्मी है, अम्मी मम्मी है।